दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि एंजल फिश में मेल और फीमेल हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं ऐसे 4 वेज बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकते हो कि एंजल फिश में मेल और फीमेल कौन है। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन रहता है उसको आप प्रेस करो, क्योंकि ऐसे ऐसे नए नए वीडियोज मैं लाते रहता हूँ हिंदी में। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आपके जो एंजल फिश है उनका अगर एज है 6 से 7 महीना या फिर 7 महीने से ऊपर, तो आप उनका जो जेंडर है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहले हम लोग बात करेंगे ट्यूब के बारे में, एंजल फिश के ट्यूब के बारे में। तो दोस्तों एंजल फिश का जो ट्यूब रहता है बेसिकली कैसे रहता है मैं आपको बताता हूँ, और कहाँ पे रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंजल फिश में जो ट्यूब रहता है, जो फ्रंट जो फिन रहते हैं एंजल फिश के, उसके पीछे एक पॉइंट जैसी चीज़ रहती है, उसे नॉर्मली फिश कीपिंग में ट्यूब बोला जाता है। एंजल फिश में जो मेल रहते हैं उनका जो ट्यूब रहता है वो पतला रहता है और बड़ा रहता है और नोकदार रहता है, और एंजल फिश में जो फीमेल रहती है उसका जो ट्यूब रहता है वो छोटा रहता है और राउंडर रहता है। तो इससे आप पहचान सकते हो कि एंजल फिश में मेल कौन है और फीमेल कौन है। देखो दोस्तों ट्यूब से अगर आप एंजल फिश का जेंडर है वो आइडेंटिफाई करने को लगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एंजल फिश में मेल और फीमेल पहचानने के लिए, क्योंकि ट्यूब ही ऐसी चीज़ है जिससे आप 100% आप बोल सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है। ये जो ट्यूब है आप आपका जो एक्वेरियम है उसमें आप देख सकते हो, अगर आपका एक्वेरियम है बड़ा एक्वेरियम है और अगर आपको नहीं आइडेंटिफाई करने को आ रहा है ट्यूब से एंजल फिश में मेल और फीमेल कौन है, तो आपको क्या करने का है कि एंजल फिश को नेट में लेने का है, तो वहाँ से आप क्लोजली मॉनिटर कर सकते हो, या फिर आप एंजल फिश को छोटे टैंक में शिफ्ट कर सकते हो, जैसे 1 फीट के जो टैंक्स रहते हैं उसमें आप शिफ्ट कर सकते हो और वहाँ से भी आप मॉनिटर कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो एंजल फिश का ट्यूब देखे कि ये मेल है कि फीमेल है। दूसरा जो तरीका है एंजल फिश में मेल और फीमेल जानने का वो है उनका हेड शेप। देखो दोस्तों जो मेल्स रहते हैं ना उनका जो हेड रहता है उसके ऊपर एक क्राउन रहता है, मतलब हेड बीच में ऐसा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसमें आप पहचान सकते हो कि वो जो एंजल फिश है वो मेल है, और जो फीमेल्स रहती है उनका जो हेड रहता है वो राउंडर रहता है, तो उससे भी आप पहचान सकते हो कि ये एंजल फिश में फीमेल है। तीसरा जो तरीका है वो है बॉडी साइज। एंजल फिश आपके पास है उनका जो एज है वो 7 से 8 महीने का है या फिर 10 महीने का उनका एज है, तो उसमें आप देखोगे तो एंजल फिश रहते हैं वो कुछ थोड़े बड़े साइज़ में रहते हैं, थोड़े कुछ छोटे साइज़ में रहते हैं, तो ये भी एक आसान तरीका रहता है कि एंजल फिश में मेल और फीमेल जानने का, क्योंकि जो मेल्स रहते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ में रहते हैं, ओवरऑल उनका जो साइज़ रहता है वो बड़ा रहता है, और जो फीमेल रहती है ओवरऑल साइज़ में छोटी रहती है, तो उससे भी आप पहचान सकते हो कि एंजल फिश में मेल कौन है और फीमेल कौन है। आखिरी जो तरीका है और ये लास्ट तरीका है एंजल फिश में मेल और फीमेल जानने का वो है उनका पेट का साइज़, बेली साइज़। देखो दोस्तों जो एंजल फिश में जो फीमेल रहती है उसका जो पेट रहता है और थोड़ा बड़ा रहता है और फुगा हुआ रहता है, और जो मेल्स रहते हैं उनका जो पेट रहता है वो स्लिमर रहता है। ये आपको कभी आइडेंटिफाई करने का है वो आपको मैं बताता हूँ, जब भी आप खाना डालोगे तो उससे आपको पहले आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि खाना खाने के बाद जब भी आप फीड करोगे तो उसके बाद यूजुअली आपको सारे एंजल फिश का जो पेट रहेगा वो बड़ा ही दिखेगा, तो तब भी आप नहीं समझ सकते, वो खाना डालने से पहले आप देखो कि कौन से एंजल फिश का जो पेट है वो फुगा हुआ है बड़ा है, कौन से एंजल फिश का जो पेट है वो स्लिमर है, तो ये भी एक आसान तरीका है एंजल फिश में मेल और फीमेल जानने का। तो जो लास्ट जो चीज़ है इस वीडियो में मैं ऐड करने को जा रहा हूँ, और ये थोड़ा बोनस टिप्स है और ये कॉमन चीज़ है जो ज़्यादातर के जो एंजल फिश ब्रीडर या फिर जिसको ब्रीड करने का एंजल फिश है वो सारे जो ये जो रूल्स है अप्लाई करते हैं। एंजल फिश को कोई भी जिसको अगर ब्रीडिंग करने का है तो एंजल फिश वो 6 से 7 क्वांटिटी में खरीदता है, उसको बड़ा करता है 6 से 7 महीने तक 8 महीने तक बड़ा करता है, और उसके बाद एक कंफर्म आपको पेयर एक निकल के ही आती है एंजल फिश की, क्योंकि मैंने भी पर्सनली ऐसे किया था, मैंने भी कुछ 8 की 9 महीने एंजल फिश मैंने लिए थे और 2 कन्फर्म पेयर मिले थे, तो ये भी एक आसान तरीका है। अगर आपको पेयरिंग करने का एंजल फिश का ब्रीडिंग करने का है तो आप क्वांटिटी में खरीदो एंजल फिश को,
तो उसके बाद एक कंफर्म पेयर उसमें से एक निकल गया है आपके लिए। दोस्तों ये जो मेरा वीडियो था वो एंजल फिश में मेल और फीमेल कैसे पहचानते हैं उसके ऊपर था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।